أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون वल्क वा सद्म मोहतरम सामिन कराम और मोहतरम नाज्रेन अभी आप लोगों के सामने सूरत की दो आयात की तिलावत की गई है आयत नंबर इकतालीस और बयालीस अलम तरह ये मनफिस समावत व्लरस अब इससे पहले जो आयात गुजरी है वो अल्लाह नूर समावत व्लरस यानी अल्लाह तबारक व ताला ने अपना दारुफ कराया कि अगर कोई आदमी मुझ पर ईमान ले आए तो उसकी जो है सीरत व किरदार कैसे जगमगाने लगेगी और किसी के ज़िंदगी से अल्लाह अगर ग़ायब रहे तो कितना डार्क हो डा, डार्क हो जाता है अब अल्लाह ताला ने कहा कि ये हमारा इंसानों से मुतालबा है कि तुम हमारी इबादत करो हमारी बात मानो हमारी तस्वीर करो हमारी बाकी बयान करो हमारी बड़ाई बयान करो क्यों तुमसे मुतालबा ये हैं क्योंकि मैंने तुमको इम्तहान के लिए पैदा किया है उसके लिए तुमको अख्तियार दे दिया हूँ कि तुम चाहो तो करो चाहो तो ना करो लेकिन उसका फार्मूला यह है कि करोगे तो इनाम मिलेगा नहीं करोगे तो सज़ा मिलेगी तो इस वजह से तुमसे बार बार तुमको याद दिलाया जाता है तुम्हारे बेनिफिट के लिए कि तुमको इनाम इकराम मिल जाए सज़ा से बच जा वरना जहाँ तक अल्लाह ताला का अपना मामला है कि तस्वीर तमीद की वो मोहताज है या नहीं है तो अल्लाह ताला ने कहा कि पूरी कायनात की हर चीज़ हमारी तस्वीर बयान कर रही है तो एक मखलूक ना भी करेगा तो क्या फ़र्क़ पड़ जाएगा तो उसका हवाला अल्लाह ने दिया कि अलम किलम तरह युसब बेलहु मनफिस समावत वलर्स क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह की तस्बीह करते हैं हर कोई जो आसमानों में है और हर वो चीज़ जो ज़मीन में है तो कायनात के हर चीज़ अल्लाह की तस्वीर बयान कर रही है तो अगर नहीं कर रहा तो एक इंसान और एक जिन दो मखलूक अल्लाह ने बाख्तियार बनाया तो ये उसकी महरूमी है व तर व और परों को फैलाए हुए परिंदे भी वो भी अल्लाह की तस्वीर बयान कर रहे होते हैं अब ये तस्वीर बयान करने से मुराद ये है कि तस्वीर मैंने ही बयान करना कि अल्लाह पाक है किस चीज़ से पाक है गलती से पाक है ऐप से पाक है कमी से पाक है तो अब यह है कि पाक से मुराद जो है अगर आप बोलेंगे कि ये कारीगर गलती से पाक है तो इसका क्या मतलब होगा ये साइंटिस्ट गलती से पाक है चाइना का जो ये रहता है उसमें गलती से पाक नहीं रहता सामान यानी वो फ़ौरन टूट जाता है मेड इन जापान रहेगा तो गलती से पाक मतलब क्या रहेगा वहाँ की चीज़ परफेक्ट रहती है तो अब यहाँ पर अगर कारीगरी की बात आएगी तो उसमें क्या मतलब होगा अल्लाह पाक है मेरा कि अल्लाह ताला जो बनाता है परफेक्ट बनाता है उसमें कोई फॉल्ट ढूंढ नहीं सकता तो अब उसमें अल्लाह ताला ने एक एग्ज़ाम्पल दिया कि देखो व साफात और परों को फैलाए हुए परिंदे यानी फ़िज़ा में कैसे परिंदे उड़ते रहते हैं एक बैग परों को फैला लेते हैं फिर सुकेड़ लेते हैं और सुई सुई चलते रहते हैं बिना डीजल पर पेट्रोल के तो अब वो भी ज़बान हाल से क्या कह रहे होते हैं हमारा बनाने वाला परफेक्ट हमको उड़ने की सलाहत दिया तो देख लो क्या परफेक्ट मतलब यह है कि पचासों हवाई जहाज़ एक्सीडेंट करके गिर जाता है लेकिन कोई जो है परिंदा आपको ये ना कि कुछ फॉल्ट था तो गिर गया तो अल्लाह ताला ने कहा वत् तैर व साफवा तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब ज़बान हाल से ये तस्वीर बयान कर रही होती हैं कि हमारा बनाने वाला बिल्कुल परफेक्ट है ये आसमान भी चीख चीख के कह रहा होता है कि हमारा बनाने वाला परफेक्ट है ये ज़मीन भी कह रही होती है कि हमारा बनाने वाला परफेक्ट है पाक है गलती से पाक टाइटेनिक जहाज़ बनाने वाला गलती से पाक नहीं था ऐसा बनाया कि एक दिन जो डूब गया तो अलम तरह यह सब बलहू मनफिस समावत वल्लर्स क्या तुम देखते नहीं कि बेशक अल्लाह है जिसके लिए हर वो चीज़ जो आसमान में है और ज़मीन में है वो उसकी पाकि बयान कर रही है अपने तख्लीक वगैरह से व तैर अब अप परो को फैलाए हुए परिंदे भी वो भी तस्वीर बयान करते हैं कुल्ल कदाल मसलात हो व तस्वी है हर एक जानता है अपनी नमाज को भी और अपनी तस्वीर को भी यानी कैसे अल्लाह से लॉ लगाना है ये भी उनको मालूम है और कैसे अल्लाह की पाकि बयान करनी है ये भी उनको मालूम है वला किला व्ला वलीम फ़लून और अल्लाह ताला जानता है हर चीज़ को जो कुछ भी वो लोग करते हैं वल्लाल को समावत व और अल्लाह ही के लिए है ज़मीन व आसमान की बादशाहत विल्लामसर और अल्लाह ही के तरफ लौट कर जाना है फिर अल्लाह ताला ने जो है कुदरत की तरफ तोज्ज दिलाया अलम तरा अल्लाह युसजी सहाबा क्या तुम देखते नहीं हो अल्लाह हाँक कर लाता है बादलों को आप समंदर के बुखारात उठते हैं और उसको अल्लाह ताला हाँक देता है फिजाओं में तो क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह तबारक व दाला हाँक कर लाता है बादलों को शुमय युअल्फ़ुबना हो फिर उन्हें आपस में जोड़ देता है अब बुखारा क्या है यहाँ से थोड़ा उठा यहाँ से उठा वहाँ से उठा ऊपर गया फिर उसको जो है एक जगह जमा कर दिया एक बड़ा सा बादल बन गया शमा यह जलो रुकाम फिर उसे तह बतह भी कर देता है एक जो है समझिए कि साइज़ बना फिर दूसरा साइज़ बना तीसरा साइज़ बना यह अल्लाह तबारा अब जो साइंटिस्ट है इसका वो अच्छे से जानता होगा फतर अल्व का यर्जो मिन खिलाई अ तुम देखते हो बारिश को कि उसके अंदर से जो है वो टपक टपक के बरसना शुरू हो जाती है तो अब कहाँ समंदर और कहाँ तुम्हारी खेत और उसको ज़रूरत और कैसे बादल के सिस्टम के ज़रिए से अल्लाह ताला वो एक एक कतरा गिरा देता है फिर तो ये ये बारिश से तो बहुत फ़ायदा हो जाता है कभी कभी ऊपर से अल्लाह ताला ओला बरसा देता है तो कोई रोकने वाला भी नहीं होता तो बादशाहत असल हुई कि नहीं उसकी जिसको नवाजना चाहे तो कहाँ समंदर कहाँ खेत तुम्हारे खेत को फिर ऑफ कोर्स पानी पहुँच जाए और अगर अल्लाह तबारा चाहे कि तुम्हारे जो है बिल्कुल पकी हुई खेती को नस्त कर दे कल काटने वालों राती में तो कोई रोक नहीं सकता वही नस में नज समय मिन जबाल फ़िया मम बरादिन और अल्लाह आसमान से उसके अंदर के पहाड़ों से ओले बरसा देता है यानी ओले के पहाड़ रहते हैं जो आसमान से कभी बरसने लगते हैं यानी बर्फ़ ही बरसने लगता है पानी के बजाय वही पानी जम जाता है पहाड़ की शक्ल हो जाता है और इतना बरसने लगता है कि आदमी लगता है कि ये ख़त्म होगा कि नहीं होगा फिर क्या होता है कि वो बरसना जैसे ही शुरू होता है फसीब भी मयशा वसरफ व मैशा तो वो पहुंचा देता है जिस पर चाहता है और जिससे चाहता है उसको बचा लेता है यानी ओला बरसना शुरू हुआ कभी देखेंगे दो चार दाना गिरा फिर चला गया और किसी किसी खेत पर इतना बरस जाता है कि पूरा नश्तो नाबुद कर देता है फिर यकाद सना बर के या जब अब ओले जब गिरने वाले रहते हैं तो उससे पहले बिजली वगैरह चमकने लगती है बिजली की कड़क ये सब तो करीब उसकी बिजली की कूंद लोगों की उगाहों निगाहों को उचक ले इतनी तेज़ बिजली जो है चमकती है अब बादल गरजता है कैसा लगता है कि कान की आवाज़ चली जाएगी और आँख की रोशनी निकल जाएगी तो युकलब्लावन्हाार तो अल्लाह अदलता बदलता रहता है रात को और दिन को रात के बाद दिन दिन के बाद रात ये अल्लाह तबार तुदरत इन फ़ीज़ाल कलबर तिल अबसार तो बेशक इसमें बहुत बड़ी बड़ी निशानियाँ हैं आँख वालों के लिए जो गौर करें व्ल खल कुल मिमा। अब अल्लाह अल्ला ताला की कारीगरी का एक खलाक का मज़र अल्लाह ने पैदा किया हर जानदार को पानी से जितनी भी दुनिया में जानदार है खास तौर से इस मिट्टी पे, ज़मीन पे, उसका ओरिजिन जो है वो पानी है यानी लाइफ स्टाइल जो चली है पैदाइश का वो पानी से चला है और असल औरिजन तो वो मिट्टी है तो अल्लाह ताला ने कहा हर जानदार का जो मैं तसलसल बनाया हूँ वो पानी से अब उसमें देखो फमीन ममश अलापतनी उनमें से कुछ ऐसे हैं जो पेट के बल घसीटते रहते हैं जैसे सांप वगैरह हैं उसको अल्लाह ने पाँव नहीं दिया है तो पेल पेट के बल ही घसीटता रहता है कीड़े मकोड़े छोटे छोटे फिर वमीन उमैम शलार जन उनमें से ऐसे भी जानदार हैं जो दो पाँव पर चलते रहते हैं जैसे इंसान वगैरह मुर्गा मुर्गी ये सब दो टांगों पर चलते रहते हैं और वमीनमैम शलार बा और उनमें से कुछ ऐसे हैं जो चार टांगों पर चलते रहते हैं अक्सरीत इन्हीं की चार टांगों वाले की है यख्लकमाय यखलकल्ल माय शाह अल्लाह तैदा करता जैसा चाहता है इनलाक शन कदीर बेशक अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादर पानी एक यहाँ तो पता चला कि जो है कोई भी कारीगर को कुछ दीजिए थोड़ा सा कहिए कि ऐसा नहीं ऐसा न ऐसा कर दे दूसरा सामान लेकर आइए ये लेकर के आइए वैसा लेकर के आइए कलर भी थोड़ा सा बोलेंगे कि ऐसा कलर लगा दो कि जो झड़े आप जो आयल पेंट लेकर के आइए चूना से नहीं होगा क्या है मटेरियल फिर आपको तो चेंज करना पड़ेगा बिल्कुल मजबूत चाहिए दूसरा सीमेंट लेकर के आई दूसरे ये लेकर के आई यहाँ अल्लाह तैन का एक मटेरियल है और पता चला कि सारा बनना तो मैं बताया कि वो ज़मीन पे जितने भी जानदार हैं वरना तो जानदार तो फरिश्ते भी हैं तो उसको अल्लाह तला ने तो नूर से पैदा किया लक़द अनज आयाती मुबैन तो यकीन हमने नाजिल किए हैं ऐसी आयतें जो निशानियों को खोल कर रख देने वाली हैं रोशन आयात ही नहीं रोशन कर देने वाली आयात यानी जहाँ जहाँ चीज़ें छुपी हुई हैं उसको भी उजागर कर देने वाले वल्लादी मै शाउलासरातमस्तकीम और अल्लाह ताला हिदायत देता है जिसे चाहता है सरात मस्तकीम की अब यहाँ तक तो अल्लाह तबार त्ला नूरसमत का जो बेनिफिट था वो अल्लाह ताला ने तोज्ज़ दिला दिया कि अल्लाह पर ईमान लाओगे तो क्या फ़ायदा रहेगा नहीं लाओगे तो क्या नुकसान रहेगा और क्यों लाना चाहिए तो वो पूरी दलाल अब इसके बेस पे बहुत सारे लोग ईमान ले आएंगे, लेकिन ईमान लाना ही असल नहीं है ईमान के तकाजे को पूरा करना असल है जबान से, से कह देना दिल से मान लेना असल नहीं ये फिफ्टी परसेंट है उसके बाद अमली सबूत देना कठिन से कठिन मरहले में उस पर जमे रहना ये असल तब जो है माना जाएगा वरना तो मुँह से तो कोई भी कह दिया जबान से कह दिया लाला ला तो क्या हासिल दिलो नगाह मुसलमान है तो कुछ भी नहीं तो आप कुछ लोग मान लेते हैं बात अब अगर कोई आदमी जो है उसको पूरा कर देता है अमल से भी सबा सबूत देता है चाहे मामला खट्टा हो मीठा हो गरम हो नरम हो तो वो पक्का मोमिन कहलाता है और अगर कोई जो है इसमें पीछे हट जाता है अमली सबूत नहीं दे पाता है घाटा आता है तो पीछे हट जाता है तो इसको शरीय की असलाह में मुनाफिक बोलते हैं कि ये काफिर तो नहीं है लेकिन निभा नहीं पाया अब तो जैसे देखते ना कि, कि किसी लड़के से आपको जो है उम्मीद हो कि हमारे घर में ये रिश्ता कर ले तो अगर वो इनकार कर देता है तो थोड़ा सा गुस्सा आता है ठीक है हमारे ये लेवल का था लेकिन रिश्ता नहीं किया अब एक ये है कि करे रिश्ता लेकिन निभाए नहीं तो और गुस्सा आता है तो मुनाफिक पर अल्लाह ताला को ज़्यादा गुस्सा आता है एक तो काफिर था नहीं माना तो चलो उस पर तो गुस्सा है ही तो मान के नहीं माना तो इस लिहाज से आप देखिए मुनाफिकीन की बात आएगी वक़ूलुन अमन्ना बिल्ल वबिल रसूल वाताना और कुछ लोग वो भी हैं जो कहते हैं कि हम ईमान ला अल्ला पर और रसूल पर और हम इताद कबूल की सब बोलते हैं सुबह तो अल्लाह फरीक़ उमिन बातें फिर भी उनमें से एक फ़रीक़ ऐसा है जो उसके बाद मुंह मोड़ लेता है जब बुलाया जाता है क्रिटिकल टाइम में नहीं आता है तो वमा उला कबिल्मिन दान खोल के सुन लो कि ये लो ममिन नहीं है ये रात दिन चिल्लाते रहें अशदअाल्ला ये नहीं है हो सकता कि वो मौजन हो पांच बार लाउड स्पीकर पे बोलता हो अल्लाकबर अल्ला अकबर अशदअल्ला अशदअाल् मोहम्मद रसूल्ला लेकिन आगे जो तकादा आ रहे हो पूरा ना करता हो तो क़ुरान के हिसाब से मोमिन है अल्लाह ने मोमिन ने धोखा है तो ये अल्लाह ने तह दिया कि वुल आमन्ना बिल्ला व बसूलवाताना लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एलानिया कहते हैं कि हम ईमान अल्लाह पर रसूल पर हम इता कबूल किए चलिए लेकिन सुम तो फरीक उम्मन उमबाद फिर भी उसके बाद एक फरीक ऐसा है जो मुँह मोड़ लेता है इतना पक्का और सच्चा वादा करने के बाद जो मुँह मोड़ लेता हालात जब आते हैं तो तो वमा उला के मोमिनीन तो ये लोग मोमिन नहीं है ये लोग समझे के नाम के मुस्लिम हैं मामला क्या है क्यों ऐसा होता है था? वैज़ा दो्ला व रसूल ही लियाम अब नम जब उन्हें बुलाया जाता है अल्लाह उसके रसूल की तरफ ताकि उनके दरमियान फ़ैसला कर दिया जाए अल्ला रसूल के मुताबिक एज़ा फ़रीक उमिन तो उनमें से एक फ़रीक इराज कर जाता है तो मतलब जब कह रहा था न कि हम ईमान पर हादत कबूल करते हैं अल्लाह रसूल जो बात कहेगा मानेंगे जो फ़ैसला करेगा सुनेंगे तो ये मामला जो है कि जब कोई फ़ैसला करने की बात आती है और लगता है कि हमारे फेवर में नहीं जाएगा तो फिर जो है वो आता ही नहीं है तो फिर ये अल्लाह रसूल को तो हाकिम मानने के लिए तैयार नहीं हुआ ना और जो चालाक रहते हैं वो समझ जाते हैं कि ये हम जो केस लड़ रहे हैं तो ये केस किधर हमारा दमदार होने वाला है और ये इसका बेस्ट एग्जांपल आप देखेंगे तलाक और खुला के मामले में अभी आप थोड़े से भी पढ़े लिखे हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि भाई हमारी बच्ची है या हमारी बहन है और हमारे बहनों ने दूसरा निकाह कर लिया है अब उसकी वजह से हमारे बहन को गुस्सा आ गया है अब वो कहते हम इसके साथ रहेंगे नहीं या तो उसको रखे या हमको रखें सपोज है अब बहन का मैटर है तो आपको इंटरफेयर करना ही है तो अब आप जाएंगे इस केस को लेकर के तो शरीयत में जाएंगे तो काजी के पास क्या जवाब देंगे आप आप केस हार ही जाएंगे वो कहेंगे भाई ठीक है वो शरीयत ने उसको इजाजत दिया तो चार शादी के तो क्या किया है वो तो कह रहा है कि मैं पूरा खर्चा दूंगा तो आप क्या लड़ेंगे उससे तो आप कहेंगे नहीं नहीं हम शरी अदालत में नहीं जाएंगे ये महारे शरिया के पास नहीं जाएंगे हम जो है ये मुल्की कानून के अदालत के पास जाएंगे वहाँ पर जो है डेवरी का केस बनाएंगे तो समझ गए ना और जहाँ पर ये रहेगा कि नहीं हम सपोज हम दूसरी शादी कर लिए हैं हमको कोई कह रहा है कि आओ अदालत में कैसे कर लिए तुम तो हम कहें चलो शरीयत के अदालत में <laughs> कहाँ पर मना है शरीयत में तो ये मसला रहता था कि देखते थे कि यहाँ पर क्या है यानी अगर जो है विरासत में हिस्सा चाहिए अब इस्लाम में कहा है कि लड़की को 50 परसेंट लड़का को डबल अब मुल्क कानून में है कि सब औलाद बराबर है तो आप हमारी बच्ची का लेना रहेगा तो हम कहाँ जाएँगे मुल्की अदालत आ दूसरे के बच्चे का मामला रहता कहें चलो शरीय के पास तो ये मसला था तो वाइजा तो व रसूल बु इज़ा फ़रीक मज़ून जब उनसे कहा जाता है कि अल्लाह उसके रसूल के तरफ़ ताकि वो फ़ैसला कर दे तुम्हारे दरमियान तो उनमें से एक फरीक है जो इरास कर जाता नहीं नहीं इधर नहीं उधर चलो यहूदी के पास चलो तो उस ज़माने में अल्टरनेट यहूदी था आज के ज़माने में हम लोगों का जैसे कुलर वाला है वहीं हक या तो मुजनीन और अगर उनके हक़ में हक हो तो जो है खूब खूब ख़ुशी खुशी आएंगे आपके पास ये बहुत स्मार्ट लोग रहते हैं अफीक़लूब मरदुन अमिर ताबुफ़ अल्लाहीीफ़ अल्लाह उ रसूल क्या इनके दिलों में मर्ज है या फिर ये शक में है या इन्हें अंदेशा है कि अल्लाह उसका रसूल फैसला नहीं करेगा उसके हक में का बलुलायक मुजालम में से कोई बात नहीं है बल्कि ये सब ज़ालिम लोग हैं अपना फ़ायदा देखते हैं हमारा फ़ायदा किधर है इधर जाने में है या उधर जाने में कभी कभी तो मामला बिल्कुल ठीक है दोनों तरफ है यहूदी के यहाँ भी एक ही फैसला है आपके यहाँ भी एक ही फैसला है लेकिन हम अगर हमारे जो जुर्म है और हम जद में आने वाले हैं तो हम बोलेंगे नहीं यहूदी क्या चलो क्यों वहाँ रिश्वत तो वगैरह से काम चल सकता है यहाँ दाल निकलने वाली आ तुम देखोगे कि नहीं तो नहीं 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 इधर आओ इधर तो कुछ भी कर लोगे तो तुम फंसना ही है तुमको तो ये भी मामला रहता था अब इसके बरस जो है मोमिन वाला मोमिन इंसान होगा जो सच्चा पक्का होगा उसका किरदार कैसा होगा इन नम गाना कौल मोमिन एजाद उ रसूल ही हकीकी मोमिन को तो जब अल्लाह उसके रसूल की तरफ़ बुलाया जाता है कि वो उनके मा बन फैसला करें तो आई अकूल समय न वाताना तो उनका कौल तो बस ये होता है कि हमने सुना हर माना क्या बात है यहाँ फैसला हो जाए वहाँ फैसला हो जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ता व उल का उमुलमफल हूँ तो वही लोग फला पाने वाले हैं अब मामा युद्धी व रसूल होगा जो कोई इत करेगा अल्लाह की और उसके रसूल की वयश अल्ला हम इतनाल्ला से डरेगा और उसके जो है परहेजगारी अख्तियार करेगा फ़ौलाकेम्फ़ायजून तो यही लोग अपने मुराद को पाने वाले हैं ला तो ये अल्लाह तला ने कहा ये एट्टीच्यूड रखोगे तो फिर जो है कामयाब हो गए नहीं तो नहीं कामयाब और तो मुँह से कह देने से इसे नमाज पढ़ने से नहीं होगा मामलात में क्या है मैटर तुम्हारा ये बताओ तो ये समझे कि तीन चार चीज़ में अल्लाह रसूल की ताद ज़रूरी रहती थी एक तो समझिए कित में इबादात में अल्लाह रसूल ने जैसे बताया वैसे ने इबादत करनी है दूसरा मामला में भी वैसे ही शादी ब्याह ये सब अल्लाह उसके रसूल ने जैसा बताया वैसे करना है तीसरे नंबर पर जो है निज़ात में लड़ाई झगड़ा में अल्लाह उसके रसूल जो फैसला करते हैं आमन न सदकना हमारे हक हाँ में है या हमारे अगेंस्ट में है आमन ये क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का पावर देना पड़ेगा ना रसूल को और चौथा मामला रेवोल्यूशनरी प्रोसेस में कि जब हक को बादल की जंग हो रही है और उसको लीड जो है वक्त का रसूल कर रहा है या कोई वक्त का लीडर कर रहा है और उसको आप आगे बढ़ा दें कि तुम आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं तो फिर साथ देना है कि नहीं देना तो वो तो वक्त का लीडर जो है जब एक्टिव रेजिस्टेंस में कब आएगा जब देगा हमारे पीछे इतने आदमी हैं और इतने आदमी हमारे जैसे आदमी है तो कैसे आगे बढ़ेगा तो मारा जाएगा बेचारा तो इस लिहाज से चार मामलों में रसूल के अत लाजिम थी अब इन लोगों का एटीट्यूड क्या हो रहा था कि जहाद के लिए तो निकलते ही नहीं थे तो वक्सम बिल्लाजहद आई माने तो सूर्य नशा में भी आया है कि मुनाफीन पर सल्लम की तीन बात बहुत भारी लगती थी एक यह कि आप कि है कि किस शख्सी अतहात क्यों करेंगे अब हम लोगों के सामने कि आप आपसे में इंस्टीट्यूशन के तौर पे है ना तो ईगो का मसला नहीं आता है अब उस ज़माने में अगर कहते आपसल मजलिस में मौजूद रहते थे किसी के भाई हैं किसी के बेटे हैं किसी के शौहर हैं अब उसमें से कोई कोई आदमी जो बड़ा बड़ा सरदार भी रहता था अब उनको कह कहते यहाँ चले जाओ तो उनको ईगो लग जाता कि नहीं आप ही क्यों चलेगी जैसे अब्दुल्ला बिन नबे का ईगो का मसला आ जाता था ना जंग में बाहर निकल के लड़ना है या अंदरी से डिफेंस करना है आप ही की बात क्यों चलेगी हम लोग भी जंग किए हैं हम लोग भी जानते हैं आटा पा, चावल का भाव तो ये शख्सी एतात आप ही को ये एज क्यों दिया जाए आप ही को ये पोजीशन क्यों दिया जाए तो एक शख्स यदात बहुत भारी थी पैसा वालों के लिए बड़े बड़े लोगों के लिए चौधरी लोगों के लिए दूसरे नंबर पर जो है हिजरत करके आना बड़ा मुश्किल था कोई कहीं मान लाया नहीं हिजरत करके आना ज़रूरी है और तीसरे नंबर पर जिहाद करना बहुत मुश्किल तो आप उसकी बात है वाक समू बिल्ला जहद ईमान और वो लोग अल्लाह की कस्मत ज़ोरदार अंदाज़ में खा के कहते हैं लई हम तुम लखरुजन्ना अगर आप ऑर्डर दे दिए होते तो हम लाजमन निकलते मसला क्या है मसला यह है कि आप सल्लम ने कहा रेडी हो जाए चलो निकलो तब जो भी ईमान वाले ने तैयारी किया झंडा लेकर के आ गए तो चले गए आप वहाँ से आ गए कामयाब वामयाब होकर के तो पता चला कि भाई आप किधर रह गए थे आप नहीं दिख रहे थे उधर हाँ घर ही पर वो असल में क्या था ना बच्ची बीमार थी वो प्रॉब्लम आ गया था कसम खुद आगे प्रॉब्लम आ गया आप यकीन अल्लाह की कसम फिर भी यार अगर इतना ही अर्जेंट था ना तो आप एक मरता ऑर्डर दे देते दे तो फिर तो जा, जाता ही मैं मतलब कहने का क्या है आप स्पेशल वैल्यू देते मुझे थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं आप नहीं जाएंगे तो काम ही नहीं चलेगा जैसे देखते ना क्रिकेट वगैरह में मेन बैट्समैन थोड़ा सा मस्का लगवाता है नहीं नहीं मुझे काम अरे यार तुम नहीं जाओगे तो हार जाएंगे मैच अच्छा जाना ही पड़ेगा चलो बाइक है तो तो इस तरह से जो है वै, वैल्यू चाहते थे तो वाक समूह बिल्ला जाता ईमान मान ही लई ना मरत हम लखर जुलना खुल्ला तुख समो आप कह दीजिए कि कसम मुसम्मत खा नहीं तो ता तुम मारूफ है भले तरीके से इताद कर लिया करो यही बात है जब इशारा समझ गए कि जहाँ है तो चले जाया करो नहीं कहना तो कसम मुसम्मत गाओ अब घर में बैठो आराम से इन खबीर बेशक अल्लाह बेश बाखबर है जो कुछ भी तुम लोग करते हो कुल क़ुल्लाहती रसूल आप कह दीजिए क्लियर कट कि इस्लाम क्या है कि एतात करो अल्लाह की और इताद करो रसूल की फ़िन तवल और अगर तुम लोग मुँह मोड़े इस बात से तो फैन नमा अलही है माहमिला वालै माहमिल तुम तो उन पर है वो बवाल जो जिम्मेदारी उन पर डाली गई है और तुम पर होगा वो बवाल जो तुम पर जिम्मे डाली जाए यानी तुम नहीं जहाज में निकले तो अल्लाह के रसूल से नहीं पूछा जाएगा कि आपने कैसी तरबियत की कि वक्त पर नहीं निकला ये आना उनका बवाल तुमसे पूछा जाएगा उनसे ये पूछा जाएगा कि ये पैगाम क्लियर कट पहुँचा दिए थे उन लोगों को कि इस्लाम का मतलब नमाज और जहाज जखाता नहीं पूरा ये है सिस्टम इस इस्लाम हाँ पहुँचा दिए थे बस आप क्यों नहीं तुम माने भाई ये गोल गोल क्यों कर दिए इस्लाम को तो फिर अल्लाह तला ने क्लियर कर दिया व तो तो होता होते तहतो और अगर तुम लोग इताद करोगे तो हिदायत पा जाओगे अब ऐताश मुराद क्या ऊपर जो बात आ रही है कि झगड़ा में जो है फैसला कराओ कॉल दिया जाए तो निकलने की कोशिश करो तो अगर ऐसे एटीट्यूड रखोगे तो हिदायत पाओगे वरना नहीं पाओगे वमा रसूल इल्ला अल बलागुल मुबीन और रसूल पर तो नहीं है मगर ये है कि एहसन अंदाज में खुल्म खुल्ला पहुँचा देना मनवाना ज़िम्मेदारी नहीं है आप इतने रस, अजीम रसूल थे इतना जुमा पढ़ा है। फिर भी वक्त आया तो नहीं निकला कोई जंगद में तीन सौ वापस कैसे चले गए तरबियत में कोई कमी थी ऐसे प्रिंसिपल से पूछते हैं ना मैनेजमेंट वाले कैसे फेल हो गए सौ बच्चे दो चार बच्चे फेल होते मानते हैं सौ बच्चे कैसे अरे नहीं पढ़े हम क्या कर सकते तो आप यहाँ मैनेजमेंट तो नहीं मानती है लेकिन अल्लाह ते नहीं मैं मान लूंगा तो अब दाई के लिए ये रिलैक्सीशन है कि नहीं भाई अब अल्लाह ताला ने कहा कि देखो जो एटीट्यूड बताया जाता है अगर वो मान लो ना तो आखिरत तो बनेगी ही बनेगी दुनिया में तुम्हारी बन जाएगी अल्लाह ताला ने वादा किया उन लोगों से जो तुम में से ईमान वाला हो और अच्छे अमाल वाला हो अब अच्छे अमाल से मुराद क्या होगी सिर्फ नमाज रोज़ा या फिर पूरा मामला सारे मामल में अच्छे अमाल करने वाला हो तो क्या अल्लाह तला के से मिलेगा लयस तखलफन फिलर कमस मिन मिनकबलें कि वो ज़रूर उन्हें ज़मीन में खिलाफत यानी गलबा अदा करेगा जैसे उनसे पहले वालों को खिलाफत अदा की थी जैसे तालुतम को दाऊद को सलीमान को और भी लोगों को तो वैसे ही खिलाफत अदा करेगा यानी अपनी नियाबत फिर वल मक्म दीमलज़िरताल अब वो ज़रूर उन्हें उस दीन को गलबा अदा करेगा जो उनके लिए उसने पसंद किया है पसंद किसको किया है इस्लाम को इन नदीना इन उसको गलबा दे देगा और नंबर तीन वलिया बदबाद खौफ इम अमना और वो उनकी मौजूदा खौफ की हालत को लाजमन अमन से बदल देगा मदीना में हर वक्त खौफ रहता था ना कि कौन किधर से आ उचक ले जाए पूरा मक्का चढ़ाई कर दे जैसे गदब हज़ाम में हो गया था तो वो सब अमन से बदल जाएगा तो अल्लाह ताला ने कहा तीन तीन इनाम मिलेगा अगर ईमान ले आमले साले करो तो क्या है कि खिलाफत अदा कर देगा फिर तुम्हारे दीन को जो है गलबा अदा कर देगा और खौफ की हालत को अमन से बदल देगा फिर होगा क्या फ़ायदा या बदू नीलाई शरकु नबी शया तो फिर वो मेरी इबादत करेंगे अब मेरे साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे ये सब होगा तीनों काम तो इबादत कर पाएंगे ये क्यों क्योंकि इबादत का नाम है कम्प्लीट इत तो कंप्लीट इत में तो अल्लाह ताला ने कहा कि चोर का हाथ काट दो जानी को कोड़े लगाओ और आप कहते हैं कि हमारा हुकूमत ही नहीं है तो वही तो अल्लाह ताला वादा करता है कि कैरेक्टर बना तो तुमको जो है मैदान में उतारा जा तो तुमको गलबा दिया जाए तो फिर तुम चोर का हाथ काटोगे तो ये तुमको सोच सोच है चोर का हाथ काटने की पोजिशन में डाल दिया जाए तो आप कहेंगे नहीं हमसे नहीं हो पाएगा तो फिर ये पार्शल इबादत है कि नमाज़ कैसे पढ़ेंगे अल्लाह रसूल ने जैसे बताया लेकिन चोर के बारे में इंसाफ़ कैसे करेंगे जैसे हमको गवर्नमेंट ने बताया तो ये आधे में अल्लाह की बात मान रहे हैं और अल्लाह में जो है लोगों की बात मान रहे हैं तो फिर अल्लाह के साथ शिरक हुआ कि नहीं हुआ अल्लाह के ज़ात में आप शिरक नहीं कर रहे हैं अल्लाह की सिफात में भी शिरक नहीं कर रहे हैं अल्लाह की इबादत में शिरक लेकिन अल्लाह के ऑर्डर में तो शिरक हो गया नहीं तो इसलिए अल्लाह तक जब ये सब गलबा नसीब होगा तब वो प्रॉपर इबादत कर पाएंगे अब फिर वो मेरे साथ किसी को शरीक नहीं कर पाएंगे वरना अभी हुकूक़ में अमरात में तो शर्क हो ही जा रहा है तो वमन कफर बाद जालिक तो ये आयत सुनने के बाद भी अगर कोई कुफर करता है तो फौल फा फासिकून तो वही फासिक है अब यहाँ पर कुफर से मुराद क्या है कि इतना ज़्यादा धमकी भी दी गई इसमें इसमें लालच भी दी गई है शौक भी दिलाया गया गलबा हो जाएगा इकतदार मिलेगा ये मिलेगा अल्लाह की इबादत होगी शिरक से बच जाओगे ये सब कुछ मिलने अब फिर भी कहें ही भाई हम तो नहीं निकलेंगे ऊपर बात उधर ही है निकलने ही वाली बात है नहीं नहीं हमको आप खुद से बोले होते कि निकलना है तो निकल ना तो मैं निकल जाता अल्लाह के रसूल ने कहा कि ये पूरा रेवोल्यूशनरी जो है शौक़ पर ही कामयाब होगा लाजमन तो आपसे वल्लम ने इस तबूक को किए थे <laughs> पूरा फतह मक्का तो शौक़ पर ही हो गया था तो इस लिहाज से अल्लाह ने फरमाया, वाक़ी सलात वातक़़़़़ात लकुम तोमोन अन क़ायम करो नमाज़ को देते रहो ज़क़़ात और इतवाद कर रसूल की ताकि तुम पर रहम किया जाए ला तसबीन नफ़रु ला तह सबनदीन कफ़रू मज्ज़ी फ़िलर आ तुम लोग गुमान मत करो उन लोगों के बारे में जिन्होंने कुफ़्र किया है कि वो ज़मीन में हमको आजिज़ कर देंगे ये नहीं होने वाला व मावार उन लोगों का ठिकाना जहन्नम है व लब मसिर और क्या ही बुरा ठिकाना है तो अल्लाह ताली से दुआ है कि अल्लाह तबारक वाली हम तमाम लोगों को वो ईमान और अमल साल लाने की और करने की तोहफ़ी कदाफरमाए जिसके बाद अल्लाह ताला ये बशारतें देता है उसके हम मस्तक बन पाएँ